नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हो रहे हैं। इसमें बालाघाट भी शामिल है। बालाघाट जिले में महिला फुटबॉल का आयोजन दिनांक 1 फरवरी से 10 फरवरी 2023 तक मुल्ला स्टेडियम में हो रहा है। बालाघाट में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की 8 टीम भाग ले रही है। प्रतियोगिता शुभारंभ कार्यक्रम में सर्वप्रथम बालाघाट जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के लोगों द्वारा बैगा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पश्चात प्रातः 10 बजे से प्रतियोगिता का पहला मैच मध्य प्रदेश एवं दमन दादरा के बीच खेला जाएगा। दोपहर में 2:30 बजे से प्रतियोगिता का दूसरा मैच अरुणाचल प्रदेश एवं केरल की टीम के बीच खेला जाएगा। इन मैचों में बालिका खिलाड़ियों का कौशल एवं हुनर देखने एवं उनका उत्साहवर्धन के लिए आमजन से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मुल्ला स्टेडियम में नियत समय पर पहुंचे। आमजन के मैच देखने के लिए किसी पास आदि की जरूरत नहीं है। बालाघाट जिले में पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, इसे लेकर आमजन में भी उत्साह है। इस प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों की टीमें भी बालाघाट पहुंच गई हैं, लेकिन जिस दानवीर मुल्ला ने महादुर ने अपनी जमीन स्टेडियम के लिए दान दी उनके नाम पर मुल्ला स्टेडियम बना, उसी दिवंगत दानवीर खेल प्रेमी की इस स्टेडियम में ना तो कोई फोटो है, ना ही कहीं कोई बैनर पोस्टर लगाए गए, ना ही उनका नाम लिखा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बैनर्स जिले के नेताओं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो से पटे पड़े हैं, लेकिन स्टेडियम के लिए जमीन दान करने वाले दानवीर मुल्ला बहादुर का जिस ऐतिहासिक खेल आयोजन में कहीं कोई जिक्र नहीं है। भैया, जो आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन अपने बालाघाट जिले में हो रहा है, बालाघाट शहर में हो रहा है, जिसके नाम पे ये आयोजन हो रहा है, उनका एक तस्वीर नहीं है, कोई फ्लैग्स नहीं है, कुछ नहीं है आयोजन, क्या 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 कहना है? आयोजन तो ये खेलो इंडिया है, ये हमारा सौभाग्य है कि बालाघाट में हो रहा है। देश में 9 जिलों में हो रहा है, 9 जगह हो रहा है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 8 जगह हो रहा है, और उसमें हमारा इसमें भी हमारा सौभाग्य है कि बालाघाट में हो रहा है। पर खेल विभाग और प्रशासन ये जो मुल्ला दीवान बहादुर का यहाँ पर जो बोर्ड लगा था, उसके पैसे से उसके शेयर से बेच के उसके सेल्स के पैसे से यहाँ पे हमने लान लगाए, उसी के पैसे से स्टेडियम को सवारे, लेकिन उसका नाम नहीं है। ये दुर्भाग्य है, लेकिन बालाघाट का सौभाग्य है कि खेल बालाघाट में हो रहे हैं।